माय चैनल जीबी ब्यूटी पॉइंट, आई एम दिव्यांगना। आज हम एक्ने के बारे में बात करेंगे। आई नो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अगर आप इसकी केयर करते हैं तो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। एक्ने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, कॉफ़ी, स्ट्रेस लेना, कॉस्मेटिक, हार्मोन चेंज होना और जंक फूड ज़्यादा खाना। एक्ने की प्रॉब्लम ज़्यादातर ऑयली स्किन में होती है, बिकॉज जो स्किन के पोर्स होते हैं उसमें सेबेशियस ग्लैंड होता है, जिससे सीबम का सिक्रिएशन होता है जो हमारी स्किन को मॉइस्चर और ऑयल प्रोवाइड करता है। तो के ना पोर्स बहुत बड़े होते हैं तो उनको ऑयल का सिक्रिएशन ज़्यादा होता है। सबसे पहले हमें माइनर ब्रेकआउट्स होते हैं और हम उसकी केयर नहीं करते तो वो वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद वो रेड एंड इन्फ्लामेंट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि उसमें रेड रेड हो जाता है और उसमें स्वेलिंग आ जाती है, और उसके बाद वो सिस्ट हो जाता है, मतलब कि वो एक बड़े पिम्पल में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे हमें पिम्पल्स हो जाते हैं। शेयर करने जा रही हूँ जिसमें एक्सफोलिएशन है, टोनर है और पैक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रब के लिए हमें चाहिए ग्रीन टी, हनी और कॉड। जो ग्रीन टी मैंने ली है वो लिप्टन के लिए, आप कोई भी ग्रीन टी यूज कर सकते हैं। अब हम इसको फाड़ कर बाउल में निकाल लेंगे। इसमें हम 1 टेबल स्पून हनी और 1 टेबल स्पून कॉड मिलाएंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ग्रीन टी में एंटीबैक्टीरियल होते हैं जो एक्ने के लिए बहुत अच्छा है, और इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जिसकी वजह से जो हमारी स्किन होती है वो बहुत ग्लो करती है और यंग दिखाई देती है। जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो हमारी स्किन के रेडिकल्स पर कंट्रोल करते हैं। स्क्रब बन गया है, अब हम उसको पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई करेंगे। इसमें हमने हनी ऐड किया है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन्स, मिनरल और कुछ खास एंजाइम होते हैं, और ये एंटीबैक्टीरियल गुण भी पाया जाता है हनी में, जो एक्ने की वजह बनने वाले बैक्टीरिया को ख़त्म करता है। हमको इसको 2 मिनट तक लगा कर रखना है, उसके बाद हमें हल्के हल्के हाथ से इसको पूरे फेस पे स्क्रब करना है। 1 मिनट तक हमें स्क्रब करना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना है, हल्के हल्के हाथ से ही करना है। अगर आपको एक्ने है तो आपको इसका स्क्रब बिल्कुल नहीं करना है, आपको इसको बस 5 मिनट लगा कर रखना है और नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है। अब मैं आपको एक टोनर बताऊँगी जिसकी वजह से आपके जितने भी ओपन पोर्स हैं वो सब बंद हो जाएंगे। जैसे हम ग्रीन टी बनाते हैं हम वैसे ही इसको बना लेंगे। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा इसको हम हटा देंगे और हम इसमें लेमन जूस डालेंगे, मैंने नहीं डाला है, आप डाल लें, और इसको हम एक स्प्रे बॉटल में निकाल लेंगे, और ये हमारा टोनर बनकर रेडी हो गया है। जब भी आप टोनर का यूज़ करें तो अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लें, उसके बाद इस टोनर का यूज़ करना है। आपके जितने भी ओपन पोर्स होंगे वो बंद हो जाएंगे, आपकी स्किन को टाइट करेगा और आपकी स्किन पर ब्राइटनेस आएगी और आपके फेस पर अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होगा जिससे आपके फेस पर ग्लो आएगा। पैक बनाने के लिए हमें चाहिए नीम, तुलसी, लेमन और टर्मरिक। ये जो पैक मैं आपको बता रही हूँ, जो एक्ने के प्रॉब्लम्स होते हैं और जो स्पॉट्स हो जाते हैं वो सब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। सबसे पहले हम नीम और तुलसी को अच्छे से वॉश कर लेंगे और फिर इसमें हम एक पिंच टर्मरिक और लेमन जूस डालेंगे, और उसके बाद हम इन चारों को अच्छे से मिक्स करके इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। अगर आपको लगता है ये थिक तो आप इसमें रोज़ वाटर डालकर इसको मिलाकर एक अच्छा सा पेस्ट बना लें। ये पेस्ट बन के अब रेडी है, इसको अपने पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई करना है। जो नीम है वो पिगमेंटेशन को रोकता है, ब्लैक हेड्स को ख़त्म करता है, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल प्रॉपर्टीज़ तो इसकी है ही, और हल्दी है वो भी बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करती है, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है। ये सारी चीज़ें एक्ने को रोकने में मदद करती है, और अगर हो गए हैं तो उसको जल्दी से हिलअप करने में भी मदद करती है, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जो स्किन को बहुत बेनिफिट पहुँचाती है। अगर आप इसका यूज़ करते तो आपको जो एक्ने की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। इसका यूज़ आपको डेली करना है, और अगर आपको एक्ने नहीं है, आपकी स्किन बहुत ऑयली है, तो आपको वीक में इसका एक बार यूज़ करना है। इसको 20 मिनट लगा कर रखना है, उसके बाद नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।